और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? अब तुम लोग ये हाल चाल बढ़िया ही होंगे, तुम्हारे भाई भी ठीक है। लेकिन आज तुम लोग को एक शायद न्यूज मिली होगी जिसने तुमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया होगा। लेकिन अगर तुमको वो न्यूज पता नहीं चली है किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है या फिर तुमने ध्यान नहीं दिया हो, तो मैं हूं ना, तुमको बता दूंगा। तो देखो भैया, आप तुम लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि फारो फरे क्या भौकाल बना रहा है, बताना सीधे सीधे हुआ क्या है। तो देखो, हुआ ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ संभाल लिया गया है। लेकिन जो हुआ है वो ये हुआ है कि स्कूबी भाई का चैनल पे ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे एक वीडियो डल जाता है, ठीक है। मतलब ये वीडियो स्कूबी ने नहीं डाला है, ये पता नहीं कैसे उसके चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है। और उस वीडियो का जो कॉन्टेंट है वो मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन वो कॉन्टेंट एग्जैक्टली वैसा ही है जब चैनल पे तब पड़ता है जब आपका चैनल कोई हैक कर लेता है। जैसे कि गेम एक्स प्रो के केस में हुआ था कि उसका चैनल जब हैक हुआ था तब उस पर कोई क्रिप्टो की वीडियो किसी ने डाल दी थी। तो वैसे ही स्कूबी के चैनल पे क्रिप्टो की तो नहीं, फोर्टनाइट की एक वीडियो थी, लेकिन उसमें कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, गड़बड़ करना बताया जा रहा था। तो इस वजह से यार, जब स्कूबी के जो भी व्यूअर्स हैं, मतलब जिनको भी उस वीडियो का नोटिफिकेशन गया, उन्होंने कमेंट सेक्शन में आके स्पैम करना शुरू करा कि भैया कुछ गड़बड़ है, चैनल हैक हो गया, ये जो भी। अब इस कमेंट्स का नोटिफिकेशन स्कूबी के पास गया तो उसको पता चला भैया आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं उसकी नॉलेज के बिना उसके चैनल पे किसी ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब अच्छी बात ये है कि उसका चैनल मतलब पूरी तरीके से हैक नहीं हुआ था, उसका चैनल अभी भी उसके पास है, उसका ईमेल एड्रेस अभी भी उसके पास है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, वरना आमतौर पर बंदा परेशान हो जाता है क्योंकि लॉगिन ही नहीं कर पाता है। लेकिन स्कूबी के चैनल पर ये वीडियो किसने डाली, कैसे डाली, क्यों डाली, इस बात का भी कोई भी आंसर नहीं। और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो बंदा स्कूबी के चैनल से, स्कूबी के अकाउंट से कमेंट कैसे कर पा रहा है। तो जो भी हो, इस सबका आंसर अभी ना मुझे पता है ना स्कूबी को पता है, चैनल हैक हुआ है या फिर कोई मैनेजर है या मॉडरेटर है, किसकी हरकत है अभी एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब कुछ और इन्फो मिलेगी तो बता दूंगा। अब मुझे लगा कि मेरे को इस चीज़ को आपको बता देना चाहिए क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो स्कूबी को भी देखते थे जब वो वीडियो डालता था, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब लोगों को हमारी फिक्र कितनी रहती है और आप सब लोग ये बात सुन के परेशान हो जाते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, टेंशन लेने की उतनी बात नहीं है, फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब अगर बात करें इस गेम प्ले की तो देखो भैया, नीचे एक बंदा था जो कि जगह छोड़ नहीं रहा था और इसको मारना आसान नहीं था क्योंकि ये बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन तुमको तो पता है BGMI में जीतता सिर्फ एक ही है, मतलब अगर वो सोलो खेल रहा है तो, और बाकी सबको तो भैया कैसे ना कैसे इसकी तरह लॉबी में वापस जाना ही पड़ता है। वेल, जो भी हो, यहाँ पर एयर ड्रॉप आ गया जिसमें मिल गई MG3, और तुमको तो पता है MG3 कितनी ओवर पावर्ड गन है। क्या ये बंदा नॉक था? अगर नॉक था तो इसे किसने नॉक करा था? शायद इन भाई साहब ने। वेल, जो भी हो, काम तो इनका भी खत्म हो चुका है। लेकिन यासना अब खाली हो चुका है तो बारी है निकलने की और फैरो के साथ थोड़ी सी दोस्ती करने की। और तुमको पता है फैरो से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रेत के साथ ऊपर जाओ और भाई वहां पर बंदों की बैंड बजाओ। यार तुमने कभी किसी बंदे को स्पॉन होते हुए देखा है? मतलब कैसा लगता होगा वो जब बंदा स्पॉन होता होगा, मतलब किसी बंदे ने अगर किसी बंदे को देख लिया स्पॉन होते हुए तो यार वो तो जैसे ही बंदा स्पॉन होगा वो मर जाएगा, मतलब उसको तो रिएक्शन करने का भी मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों कभी सामने कोई बंदा स्पॉन नहीं हुआ, पता नहीं कैसा नज़ारा रहता होगा। वेल, जो भी हो, यहाँ पर, अरे भाई साहब, भाई ये क्या था यार, मतलब ये टीम फुल गुस्से में होगी बिकॉज इनके कुछ समझ में नहीं आया। भाई सारे बंदे ही किस स्प्रे में नॉक हो गए ऑलमोस्ट। पर जो भी हो, इन सब की सेवा यहां पर तो समाप्त हो गई है, लेकिन यहां पर भी बंदे खत्म नहीं हुए, और बंदे भी आएंगे इधर। अरे भाई साहब, ये अकेला ही आया था क्या इधर? पर जो भी हो, अब इनको क्या है लेना देना, लेकिन इसके टीममेट अगर होते ना तो ज्यादा अच्छा लगता। अब देखो ऊपर कोई है नहीं तो बारी है नीचे जाने की, क्योंकि नीचे मिलती है कमाल की लूट, और लूट किसे पसंद नहीं है भाई जी। नीचे लूट नहीं मिलती बे, नीचे बंदे मिलते हैं, मतलब रटी रटी लाइनें बोल बोल के फॉर ऑफ सटिया गया है तू। जो भी है, बग्गी यहीं पर खड़ी हुई है तो तुमको पता है नो टेंशन। अबे बग्गी कितना डैमेज है यार, फट जाए।
अब देखो भैया ये शेल्टर साइड है और यहाँ पर भाई काफी सारे बंदे कैंप कर रहे हैं और काफी सारी स्क्वाड्स यहाँ पर आने वाली है। कुल मिला के भीषण महायुद्ध होने वाला है इधर, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तैयार हो गई भाई। ये बाइक वाला क्या मतलब धूम धूम खेल रहा था? बस जो भी हो, इसको पता होना चाहिए कि ये जॉन अब्राहम नहीं है, तो ये तो इधर ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके टीममेट किधर हैं? क्योंकि अकेले तो ये था नहीं, नॉक हुआ था ये, तो इसके साथ ही भी आसपास ही होंगे। अब देखो भैया यहाँ पर तुमको थोड़ी शांति लग रही होगी ना, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। अभी यहाँ पर बस देखते जाओ भाई। ये क्या ये छी भाई छी, ये कोई रिकॉर्ड कंट्रोल होता है? वेल जो भी हो, वो बंदा बच गया था लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? भाई को लग रहा था ये उनका मौका है, मस्त बाहर निकल के लड़ने आए थे, बट ठुकाई हो गई इनकी। अबे सामने कितने बंदे हैं? अब भाई फाइनली ये स्क्वाड खत्म हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बंदे खत्म है, बंदे भी और हैं यहाँ पर। अब देखो ये फिनिश हो गया है, लेकिन अभी भी बंदे हैं इधर। भाई सब शेल्टर क्यों आ गया यार? वेल जो भी हो, मजा तो आ रहा। ईडब्ल्यूएम किधर चल रही है? अबे दो बंदे नॉक हुए। दो बंदे मर गए भाई, स्मोक के अंदर दो दो बंदे लेटे हुए थे भाई। चलो भैया ये भी खत्म हो गए, लेकिन इसका टीममेट ही कहीं है पता? अरे बाप रे, अब देखो घूम फिर के मामला अभी भी शेल्टर में ही है। और भाई बस देखते जाओ, क्योंकि यहां पर थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इनफैक्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा इस सिचुएशन देखो। एक बंदा नॉक है जो कि फिनिश हो गया है, इसके साथ ही बच रहे हैं, और तुमको बताना है यहाँ पर आगे हुआ क्या। तुमको गेस करना है, देखते हैं कितने लोगों को गेस सही होता है। तो चलो गेस करो।